हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के लड्डू। इसके लिए मैं एक हेवी बेस पॉट रख चुकी हूँ। आप कढ़ाई भी हेवी बेस की ले सकते हो। फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ, लो फ्लेम में रख लीजिए। मैं चिरोटी रवा बोलते हैं इसको, सूजी बारीक वाली, ये वाली सूजी ले रही हूँ। 1.5 कप ले रही हूँ मैं। कप्स का ध्यान रखिएगा, बनाने में आसानी रहेगी आपको। 1.5 कप सूजी ऐड कर चुकी हूँ। इसी में हम 1 स्पून भर के घी ऐड कर लेंगे, मतलब गाढ़ा घी है ये। मेल्ट करेंगे तो 2 स्पून रहेगा। घी को ऐड करके फ्लेम को मीडियम रख के इसको भून लेंगे हम। कम से कम मीडियम फ्लेम में इसको 5 मिनट तक भून लेना है। सूजी थोड़ा फूल भी जाएगी, बिना हाथ छोड़े इसको भूनते ही रहना है 5 मिनट तक। आप नीचे से जल सकती है, अगर चलाना छोड़ देंगे तो हाथ। आप 5 मिनट बाद आपको मैं बताऊँगा। 4 से 5 मिनट तक भूनने के बाद तो कलर भी चेंज हो गया है, सूजी भी देख सकते होंगे आप फूल गई है। देखिए अभी इसमें हम और 1 स्पून घी इसमें ऐड कर लेंगे। सारा घी ये सूजी पी चुकी है। अभी इसमें हम ताज़ा नारियल है ये, 1 कप नारियल ले रही हूँ मैं ताज़ा वाला। हम दोनों सूखा और फ्रेश कोकोनट दोनों भी यूज़ करेंगे। 5 मिनट सूजी भूनने के बाद इस नारियल को फ्रेश कोकोनट को ऐड करना है आपको। गीला नारियल को जो इस तरह से गीला आता है ना, इसको अच्छे से मैं कट करके पीस ली हूँ। ड्राई पानी नहीं मिक्स करना है आपको, इसी तरह से पीस लेना है। नारियल को पीस के इसमें ऐड कर चुकी हूँ। 1 कप नारियल ली हूँ मैं। इस नारियल को भी कम से कम 5 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम में भूनते जाना है अच्छे से। देखिए दोस्तों, और 5 मिनट तक अच्छे से इसको भून चुकी हूँ मैं। नारियल और सूजी किस तरह से अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं करके, अभी इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेंगे। फ्लेम को लो रख लीजिएगा। ये सूखा नारियल है, 1 कप ले रही हूँ मैं। सूखा नारियल को भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसमें। सूखा नारियल को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं रहती है, हम सिर्फ गीले नारियल को ही ज़्यादा भूनने की ज़रूरत रहती है, बस 5 मिनट तक। अभी इसमें हम थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, 1 पाव स्पून जितना हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। देखिए इतनी बस। इसको भी अच्छे से हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ये नारियल को और इसको हल्दी पाउडर को। अच्छी कच्ची स्मेल चली जानी है। फ्लेम को लो टू मीडियम में रख के भून लीजिएगा। सूजी देख सकते होंगे आप किस तरीके से ये फूल चुकी है करके, किस तरीके से देख सकते होंगे आप। जैसे भूनने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे दोस्तों। हम फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि अच्छे से सूजी और नारियल सब भून गए हैं। अभी हम इसको साइड में रख लेंगे। तो चीनी लेके मैं 1.5 कप सूजी को 1 कप चीनी, पहले नाप के चीनी ले लीजिए, बाद में इसका पाउडर कर लीजिएगा। 1 कप चीनी ली हूँ, इसमें 5 इलायची डाल के पाउडर कर ली हूँ इसको। देखिए इस तरीके से, ज़्यादा बारीक भी मत पाउडर कीजिए, थोड़ा इस तरीके से पाउडर कर लीजिएगा। देखिए करने के बाद इसको अभी इसमें उसमें मिक्स कर लें। अभी इस चीनी को इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों हम पाउडर को। आप मीठा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप 1.5 कप सूजी लिए ना, 1.5 कप ही चीनी भी ले सकते हो, लेकिन मैं 1 कप चीनी ली हूँ इधर। 1 कप चीनी लेके पाउडर कर ली हूँ। चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप नीचे उतार के इसको बाद में इसमें मिक्स कीजिएगा, क्योंकि पहले मिक्स करेंगे तो ये सारे पानी छोड़ सकते हैं। थोड़ा हल्का गर्म रहते इस समय इसमें मिक्स कर लीजिएगा ये। ये दोस्तों 50 ग्राम जितने काजू, 50 ग्राम जितने बादाम चॉप करके रख ली थी मैं। 2 स्पून घी में इसको अच्छे से भून चुकी हूँ, इसमें इसको मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हो। अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे दोस्तों। तो अच्छे से ड्राई फ्रूट्स में मिक्स कर चुकी हूँ मैं। अभी हम गरम करके ठंडा किया हुआ दूध लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसमें इसको मिक्स कर लेंगे दोस्तों हम। बस मैं 1 पाव कप जितना दूध ऐड करी हूँ इसमें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हम। हल्का गर्म रहते ही डाल दीजिएगा, ज़्यादा दूध मत डालिएगा, बस थोड़ा डाल के देखिएगा। गरम करके ठंडा किया हुआ दूध है, ध्यान रखिएगा।
अच्छे से मिक्स कर दूध देंगे। थोड़ा मिक्स कर चुकी हूँ मैं, थोड़ा ही डाली थी मैं, ध्यान रख के डालिएगा। देखिए इसके लड्डू बना लेंगे। अगर लड्डू नहीं बन रहे होंगे तो आप और थोड़ा 1 से 2 स्पून दूध ऐड करके चेक कर सकते हो। ज़्यादा एक ही टाइम पर ऐड कर देंगे तो बहुत पतला हो जाएगा ये हलवे जैसा। बस 1 से 2 स्पून जितना फिर से ऐड कीजिएगा। देख सकते होंगे ये लड्डू आसानी से बन रहे हैं। देखिए इसी तरीके से हम लड्डू बना के रख लेंगे दोस्तों सारे। अगर नहीं बन रहे होंगे तो आप 1 से 2 स्पून जितना ऐड कर सकते हो। आप साइज छोटे या बड़े अपने पसंद के बना सकते हो। देखिए दोस्तों आसानी से लड्डू बन रहे हैं इसमें। देखिए जितने भी हैं दोस्तों ये सारे, जितने इसमें जितने भी बनेंगे इतने बना के मैं रख लूँगी। ये दोस्तों मैं सारे बना चुकी हूँ, अब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देख सकते होंगे आप इस तरीके से लड्डू बन के तैयार हैं करके, अभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।